टेलीकॉम कंपनियों के सेंटर जाकर मोबाइल सिम को आधार से लिंक कराने की झंझट बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 1 दिसंबर से आप इसे घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकेंगे। शुक्रवार को UIDAI और टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक में एक डेडलाइन तय हुई। अभी कंज्यूमर्स टेलीकॉम कंपनियों के सेंटर जाकर ही सिम को आधार से लिंक करा रहे हैं, बट उन्हें काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही है। इसे देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम डॉट ने कंपनियों को ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 6 फरवरी 2018 तक सारे कंज्यूमर्स को अपने सिम को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन तय हुई है। 1 दिसंबर से नई शुरू होने वाली टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से है। पहली, वन टाइम पासवर्ड यानी OTP के जरिए सिम घर बैठे ही लिंक करा सकेंगे। मोबाइल कंपनी अपनी वेबसाइट या खास ऐप के जरिए ये सुविधा देंगी। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद OTP आएगा। इस OTP के इस्तेमाल के बाद सिम आधार से लिंक हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी मोबाइल यूज़र ने अपने आधार से एक या एक से ज़्यादा कनेक्शन लिए हैं तो भी अपने आप वो लिंक हो जाएंगे। सेकंड है, इंटर वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम मतलब IVRS की मदद से भी सिम कार्ड को आधार से लिंक करा सकेंगे। इसके लिए भी इसे कंपनी की वेबसाइट या ऐप में रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद IVRS के जरिए कस्टमर की सही पहचान होने के बाद सिम अपने आप आधार से लिंक हो जाएगी। तीसरा और आखिरी ऑप्शन है, घर पर एजेंट आकर सिम को आधार से लिंक करेगा। ये सुविधा उनके लिए दी गई है जो ज़्यादा उम्र के कस्टमर है या गंभीर रूप से बीमार है। इनके लिए उन्हें सिर्फ इतना सा करना होगा, उन्हें अपनी टेलीकॉम कंपनी में कॉल करके रिक्वेस्ट जनरेट करानी होगी। इसके बाद कंपनी का एजेंट घर आएगा और पूरी प्रोसेस करेगा और 10 दिन के अंदर आपकी सिम आधार से प्रॉपरली लिंक हो जाएगी। बस आपको इंतज़ार करना है 1 दिसंबर का। 1 दिसंबर से आपकी सारी समस्याएं जो आधार से मोबाइल को लिंक कराने की है वो सारी दूर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें।